हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो मैं आज मॉर्निंग शो देख के आया हूँ राधे श्याम की, जिस मूवी में स्टारर में हमारे बाहुबली सर और पूजा हेगड़े मैम, यानी प्रभास सर और पूजा हेगड़े मैम, इनकी दोनों की केमिस्ट्री देखने वाले। एक इंटेंस लव स्टोरी वाली मूवी है पूरी की पूरी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मूवी की रिव्यूज अपडेट्स के लिए, जो OTT अपडेट्स के लिए। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर दोस्तों, जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो यार, इस मूवी को ना 1976 यानी 1976 पे बेस्ड है, उस पे सेटअप किया गया मूवी। और मैं आपको बेहतरीन एक रूप में बता दूं, फिल्म की जो विंटेज जो लुक रखी गई है यार, एक नंबर। इस मूवी को जो विजुअलाइज किया गया है ना, इतनी बेहतरीन से की गई है, एकक जो उसमें ना। और ये महंगी जो फिल्म है ना, इतनी अच्छी बजट पे बनी हुई फिल्म, बड़ी अच्छी खासी बजट पे जो फिल्म बनी हुई है, आपको वो फील कराती है, रिच फील कराती है। एज अ कॉस्ट्यूम देख लिए और फॉरेंस लुक को उस समय पे विंटेज जो लुक दिया गया, चाहे गाड़ियों को हो, जो सेट्स के हो, बेहतरीन दिया हुआ यार। अब बात करूं हमारे सो विक्रमादित्य सर, यानी हमारे जो प्रभास सर है, जिसकी कैरेक्टर लिखी गई है यार, इतनी बेहतरीन कैरेक्टराइजेशन की गई है उनकी। वो एक पामिश होते हैं यानी रेखा शास्त्री, यानी वो हाथ देख के बता देते हैं नेक्स्ट की क्या होने वाला है वो। और ऐसा वैसा इसमें बताया नहीं गया कि छोटे मोटे हैं, वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी उनकी नाम है इस चीज़ पे, रेखा शास्त्र के नाम पे। उसके बाद में पूजा हेगड़े जी मैम एज अ डॉक्टर दिखाए गए हैं दोनों की केमिस्ट्री को बनाने के लिए। मगर होता ये है इनकी लव स्टोरी में कि प्रभास सर के हाथ में लव जो लाइन है ना, वो नहीं है। एज यूजुअल जो सिंगल लौंडे की जो परेशानी है, फिर इसी लव लाइन के चक्कर में अपने मतलब कि इस लाइफ में प्यार की कमी को पूरी करने के लिए, जब वो पूजा हेगड़े मैम को देखते हैं और वो फर्स्ट इंटेंस में ही उनको लव हो जाता है। इसके बाद उनकी मतलब कि लव लाइन में जो मिसिंग है, उसके साथ जो पूजा हेगड़े मैम की जो मतलब कि फ्यूचरिंग है, इस टाइप से की गई है कि दोनों को मिलना थोड़ा सा ना असंभव टाइप से। तो इसी बीच में लव स्टोरी को सेटअप किया गया है, मतलब बात करूँ एक टाइटैनिक टाइप से रूप दिया गया इस मूवी को, कि कैसे वो उनसे मिलती हैं और वो मतलब कि आखिरी तक वो मतलब कि जो लव स्टोरी वो सक्सेस हो पाती है कि नहीं हो पाती है, इसी पे पूरी मूवी बेस्ड है। बात करूँ अगर मैं फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ एक मतलब कि फिल्म पे रोमांस टच भी दिया गया है। और प्यार यार, क्या सॉन्ग आती है, अरिजीत सर की जो आवाज़ है उसमें आशिकी आ गई, बेहतरीन मैच करती है जो वहाँ पर ट्रेन सिक्वेंस के साथ में वो मूवी की सॉन्ग चलती है। उसके बाद में बात करूँ इसकी जो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी सीन्स भी काफ़ी अच्छी है, और सेकेंड अगर पार्ट की मैं बात करूँ तो सेकेंड पार्ट ना कहीं दुखद लगती है, मतलब थोड़ी सी स्लो पर लगती है। ऐसी हम लोग को भी लगती है, क्योंकि कारण ये है ना, मूवी को सेकंड पार्ट में लव स्टोरी की इंटेंस जहाँ पर होती है मूवी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अगर इंटेंस उस मूवी पे नहीं रख रहे हैं तो थोड़ी बोरियत फील होगी, फिल्म करवाएगी। अगर बात करें इसमें मुझे भी क्या अच्छा लगा, तो विजुअलाइज काफ़ी अच्छी है, उसके बाद में जो कैरेक्टराइजेशन की गई है काफ़ी अच्छी है, नरेशन काफ़ी अच्छी है। पर फिल्म में मुझे क्या पसंद नहीं लगा, जो मुझे पसंद पर्सनली नहीं लगा, वो है इसकी डबिंग। डबिंग में डायलॉग्स दिए ही नहीं गए हिंदी में, तेलुगु में हो सके काफ़ी अच्छी होंगी, मगर हिंदी में जो डायलॉग्स ऐसे दिए ही नहीं गए। एक सिंपल ट्रैक पे चलती है, ऐसे लगता है कि हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, इमोशंस के साथ भी नॉर्मल बात कर रहे हैं, थोड़ी डायलॉग्स की मुझे कमी लगी। और कहीं ना भाई, जो इसमें एक डायलॉग्स है जहां पर बार बार हमारे प्रभास सर बोलते रहते हैं कि विक्रमादित्य से कहना कि कुछ इस टाइप से, जो एक डायलॉग है वहां पर ना वो बोल नहीं रहे हैं यार, अटक रहे हैं। डबिंग में अभी भी प्रॉब्लम है, डबिंग थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी। डबिंग की वजह से फिल्म की मैं एक पॉइंट काटना चाहूँगा, फिल्म बाकी काफ़ी अच्छी है, आप लोग जाके बेहतरीन लव स्टोरी को आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं, फिल्म आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाली है। बस मुझे जो इसमें लगा वो इसकी डबिंग थी, बाकी इसकी विजुअलाइज टॉप नॉच है, विंटेज लुक जो दिया हुआ है, जो इंटेंस है, जो इफेक्ट्स का यूज किया गया, एक नंबर है। फिल्म की जो स्टोरी की गई है काफ़ी अच्छी गई है, काफ़ी दिनों के बाद में आपको ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग बेशक जाके फिल्म को देख सकते हैं। मूवी की रिगार्डिंग आप लोगों को लगता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।